Hello students welcome to my channel this is Pooja your math tutor and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail so without wasting any time Let's start the question. We have a statement. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. Okay, हमारे पास एक pen stand है जो एक wood का बना हुआ है और वो cuboid shape का है. उसमें four conical depressions है to hold pens. ताकि उन uh, depressions में pen को hold किया जा सके. तो अगर हम फिगर की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा. जिसमें क्या है फोर कॉनिकल होल्स हैं ताकि इसमें पेन को स्टैंड किया जा सके ठीक है द डाइमेंशंस ऑफ द क्यूबॉयड आर फिफ्टीन बाय फिफ्टीन सेंटीमीटर बाय टेन सेंटीमीटर बाय थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसके क्यूबॉयड के डाइमेंशंस भी हमें गिवन है फिफ्टीन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड जी यस यहाँ से द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर अब ये जो कॉनिकल डिप्रेशन है इनका रेडियस और डेप्थ भी हमें गिवन है तो अगर मैं इसे थोड़ा सा साइड पे निकाल के बनाऊं कि ऐसा एक कौन कॉनिकल डिप्रेशन है बीच में स्टैंड के बीच में जिसका रेडियस है जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितनी है सेंटीमीटर, राइट? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड पूरे स्टैंड में वुड का कितना वॉल्यूम है कितना वुड यूज है इसमें ये हमें फाइंड आउट करना है तो अगर हम वुड का वॉल्यूम बताना हो इस स्टैंड में कि कितना लगा है तो वो कैसे बताएंगे एक तो इस क्यूबॉयड का वॉल्यूम आएगा ठीक है कंप्लीट की वॉल्यूम उसमें से माइनस क्या होगा ये डिप्रेशन कॉनिकल डिप्रेशन जो हैं ये कैसे बने हैं इतना इतना वुड निकाल के बीच में से बाहर फेंका होगा तो वो तो वॉल्यूम बाहर गया ना तो क्या आएगा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड तो वो किसके इक्वल होगा देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉय एंड बीच में से माइनस क्या होगा माइनस क्या होगा ये फोर कॉन्स का वॉल्यूम मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन कौन का वॉल्यूम फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फोर डिप्रेशन से है सब का वॉल्यूम और डेप्थ सेम ही तो है तो वॉल्यूम भी सेम होगा तो ठीक है यहाँ पर अब फॉर्मूलाज पुट करो वॉल्यूम ऑफ की वर्ड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वाइट माइनस फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्र एच तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो लेंथ कितनी है फिफ्टीन टेन into हाइट थ्री पॉइंट फाइव है इसे मैं थर्टी फाइव बाई टेन लिख सकती हूँ माइनस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ फोर बाई थ्री इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू रेडियस कितना देखो रेडियस कितना है कौन का जीरो पॉइंट फाइव है तो मैं फाइव बाय टेन लिख सकती हूँ स्केयर है तो दो बार आएगा फाइव बाई टेन राइट मल्टीप्लाई हाइट हाइट कितनी है कौन की ये डेप्थ हाइट ही तो है वन पॉइंट फोर है तो फोर्टीन बाई टेन लिख सकते हैं अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो आपको मालूम है ये अलग से सॉल्व होगा ये अलग से होगा बिकॉज बीच में माइनस का साइन है अलग अलग एक्सप्रेशन है ये ये देखो टेन से टेन कैंसिल हो रहा है इस साइड में क्या कैंसिल हो रहा है सेवन वन जो सेवन सेवन टू ज फोटीन टू वन जा टू टू फाइव टेन फाइव से फाइव कैंसिल अगेन देखो टू टू ज फोर टू फाइव ज़ा टेन फाइव से फाइव अगेन कैंसिल हो गया टू वन जा टू टू फाइव टेन और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं आप देखो इसे हम यहां पर आ रहा है मल्टीप्लाई तो 35 को 15 से करते हैं। माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है ऊपर क्या है ट्वेंटी टू नीचे क्या है थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन तो यहां पर इसे भी सॉल्व कर दो फाइव टू फाइव माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन ऐसे यहाँ पर चलता जाएगा तो इसे देखो मैं अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके 1.4 इसे राउंड ऑफ करेंगे तो सेवन लिख सकते हैं राइट यहाँ पर सिक्स है तो ये एक बढ़ जाएगा ठीक है तो 1.47 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं अब इसको सॉल्व करो 525 में से माइनस होगा 1.47 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब तो इतना वॉल्यूम है वुड का इस एंटायर पेन स्टैंड में होप यू ऑल इंजॉय दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टूड इट बैटर बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो बट डाउट यू हैव I will meet you in another video with new interesting question till then goodbye take care